हेलो फ्रेंड्स, मैं लखवीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एलएस होम्स में। तो दोस्तों, आज मैं फिर आया हूं एक नई टाउनशिप में एक आपको अमेजिंग प्रॉपर्टी दिखाने। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 4 BHK डुप्लेक्स विला। जी हां, गेटेड टाउनशिप रहने वाली है जिसके अंदर हम आपको विलाज बना के दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। इस सोसाइटी की वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है, हमारे काफी व्यूअर्स यहाँ पे विजिट करके गए हैं, कुछ व्यूअर्स हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय भी की है। अगर आप अपना घर देख रहे हैं जीरकपुर के पास चाहिए, लोकेशन आपकी रहेगी जीरकपुर पटियाला हाईवे। तो अगर आप अपना घर ढूंढ रहे हैं, सपनों का घर ढूंढ रहे हैं, डुप्लेक्स विला ढूंढ रहे हैं, गेटेड टाउनशिप में चाहिए विथ पार्क, कम्युनिटी हॉल चाहिए, वाइड रोड्स चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों, 42 फीट वाइड आपकी रोड रहने वाली है जो सोसाइटी के इंटरनल रहने वाली है। एलिवेशन आपका स्पेनिश रहने वाला है, बहुत अमेजिंग एलिवेशन रहने वाला है पूरी टाउनशिप का। लोकेशन जैसे मैंने आपको बताई जीरकपुर पटियाला हाईवे तो रहती है, पर आने वाले टाइम में आपकी इस सोसाइटी की जो अप्रोच है वो एयरपोर्ट रोड एरो सिटी से भी होने वाली है। तो बहुत अमेजिंग सोसाइटी है, बहुत अमेजिंग लोकेशन है, विद आपका पर्सनल थोड़ा सा आपको ग्रीन एरिया मिल जाता है और मिल जाती है आपको बहुत अमेजिंग टाउनशिप और बहुत अमेजिंग डुप्लेक्स विलास, वो भी 4 BHK। आइए दोस्तों, ये रहेगी आपकी पार्किंग स्पेस। एक गाड़ी आपकी जो एक्सयूवी है, चाहे मैं इनोवा की बात करूँ चाहे मैं फॉर्च्यूनर की बात करूँ, यहाँ पे इजिली यहाँ पे आ जाती है। दोस्तों, आपको वुडन फिनिशिंग के साथ डोर मिल जाता है विद आपका स्मार्ट लॉक। तो दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर की बात करता हूं, ग्राउंड फ्लोर में आपको 1 BHK मिल जाता है, एक रूम ग्राउंड फ्लोर पे प्लस ड्राइंग डाइनिंग एंड किचन, बाकी 3 रूम आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले हैं। तो जैसे आप एंटर करते हैं आपका वेलकम होता है बहुत ही प्यारे स्पेशियस ड्राइंग एरिया के साथ। अगेन आप देखिए, हमने अपनी चॉइस का अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे ड्राइंग में सोफा लगाए हुए हैं, पर आप इससे भी ज्यादा स्पेशियस सोफा यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि जो स्पेस है बहुत अमेजिंग निकल के आती है। अब मैं डाइनिंग की बात कर लेता हूँ, तो अगर डाइनिंग आप थोड़ा पीछे कर देंगे और आप यहाँ पे सोफा और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी सीटिंग कैपेसिटी ड्राइंग एरिया में और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी के अलावा मैं डाइनिंग की बात करता हूँ, तो 6 सीटर अभी डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे इतना प्यारा प्लेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत लाइट और डार्क कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ड्राइंग डाइनिंग को और भी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। होम डेकोर काफी अच्छा किया हुआ है इस पूरे ड्राइंग एरिया का और डाइनिंग एरिया का। तो 6 सीटर डाइनिंग टेबल आपका यहाँ पे इजिली प्लेस हो जाता है। आप चाहे तो अगर फैमिली बड़ी है क्योंकि 4 BHK अपार्टमेंट है, 8 सीटर भी यहाँ पे इजिली लग जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको एक जो स्पेस वाली थोड़ी बच गई है उसमें आपको डिजाइन करके दिखाया है कि आप एक प्राइवेट अपना लाउंज एरिया बना सकते हो। तो अगर आप इसको प्रॉपर यूज करना चाहें ड्राइंग और डाइनिंग, तो वो भी एक बहुत अच्छी स्पेस आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना प्यारा एलिवेशन है, जितनी प्यारी सोसाइटी है, जितना प्यारा इसका ड्राइंग और डाइनिंग है, उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन खूबसूरत आपको यहाँ पे मिल जाती है इसकी किचन, हार्ट ऑफ द हाउस जो मैं कहता हूँ। कि अगर आप एक अपनी फैमिली को सरप्राइज देना चाहते हैं या वुमेन्स हैं, आपको पता है कि उनको किचन काफ़ी पसंद नहीं आती, पर इसकी किचन देखिए आप कितनी अमेजिंग है, कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन किया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है। यू शेप की किचन बहुत अमेजिंग लग रही है और सारी की सारी आपकी जो किचन है वो आपकी सॉफ्ट फ्लोर रहने वाली है। सैंपल है तो इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली, वो आपको किचन देख के आइडिया लग गया होगा, तो उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ मिल रही है क्या चीज़ नहीं मिल रही। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल जरूर कीजिएगा। और स्पेस देखिए आप, स्टोरेज स्पेस आपको हर जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको वाटर होल्डर्स मिल जाते हैं, अगेन सॉफ्ट फ्लोर के साथ यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ओटीजी ओवन का आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, अगेन आप देखिए। तो स्टोरेज कैपेसिटी काफी अच्छी है पूरे पूरे किचन की, पूरे पूरे घर की। और ऊपर देखिए, हमने कवर किया हुआ है इसको ताकि जो आपकी चिमनी की एग्जॉस्ट पाइप है वो इजिली नजर ना आए, वो हाइड हो जाए। तो इसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं है, उसके लिए आप हमें कॉल जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो, अगेन देखिए काफी अच्छी आपको विंडो मिल जाती है। और आपको मिल जाता है आपका यहाँ पे फ्रिज का स्पेस, और यहाँ पे भी अगेन आप देखिए आपको मिल जाता है आपका वॉशिंग एरिया। बहुत बड़ी फैमिली है तो उतना ही स्पेशियस आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया मिल जाता है।
तो फ्रेंड्स ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम। जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे आपको जैसे मैंने कहा 1 BHK मिल जाता है, तो ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम। 11x14 का अप्रोक्स आपको एक रूम साइज मिलने वाला है। और रूम देखिए आप कितना स्पेशियस है, और कलर कॉम्बिनेशन देखिए, डिज़ाइन देखिए कितना एथिक्स के साथ यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। कलर डार्क और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग लग रहा है, चाहे मैं बेड बैक की बात करूँ, चाहे मैं अपने LED पैनल की बात करूँ। सैंपल से आपको सिर्फ एक आइडिया लगता है कि आप अपना घर ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो आपको अपार्टमेंट, जो आपको ये घर मिलेगा वो आपको सेमी फर्निश मिलेगा। 6 फीट का यहाँ पे बेड इंस्टॉल किया हुआ है, उसके बाद भी LED पैनल के बाद भी जो स्पेस निकलती है आप देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग स्पेस है। और फॉल सेलिंग बहुत ही प्यारी यहाँ पे की हुई है। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि इस घर में कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं रहेंगी जो हम आपको अपार्टमेंट दिखा रहे हैं, तो क्या क्या दे रहे हैं उसके लिए आप हमें कॉल जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के अलावा आपको मिल जाती हैं स्लाइडिंग डोर कबर्ड्स, और कबर्ड्स आपकी रहने वाली हैं ऊपर रूफ हाइट तक, और साथ में रहता है आपका अटैच वॉशरूम। अगेन वॉशरूम बहुत स्पेशियस आपका रहने वाला है। वंस अगेन मैं आपको कहने वाला हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आने वाली है अगर आप घर गेटेड टाउनशिप में देख रहे हैं, क्योंकि प्लॉट्स आपको आमतौर पर मिल जाते हैं गेटेड टाउनशिप में, पर आपको बना बनाया डुप्लेक्स बहुत कम देखने को मिलता है। और इतनी अमेजिंग सोसाइटी, इतनी वाइड रोड्स आपको हार्डली कहीं देखने को मिलती हैं। चाहे आप ओपन से कंपेरिजन करें तो ओपन में भी आपको इतनी वाइड रोड्स नहीं मिलती, वहाँ पर आपको पानी की दिक्कत आती है, पार्किंग की दिक्कत आती है, पर ऐसी दिक्कतें आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली। अगर प्रॉपर्टी आप प्लानिंग कर रहे हैं जरकपुर में और अपने लिए डुप्लेक्स देख रहे हैं, विलास देख रहे हैं, तो आप हमें कॉल जरूर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट मैच मेकर रहने वाली है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे और दिखाते हैं हम आपको अमेजिंग फर्स्ट फ्लोर। तो दोस्तों ये रहेगा आपका फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाता है छोटा सा लॉबी एरिया। अगेन आप इसको अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, अपने तरीके से इसकी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो फर्स्ट फ्लोर है उसको भी देखने में बहुत ही अच्छी फीलिंग आए। दोस्तों ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम। जो बेडरूम आपने ग्राउंड फ्लोर पर देखा, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो सेम नीचे का बेडरूम आपका ऊपर आ गया है। अगेन आप देखिए 11x14 का आपको बहुत अमेजिंग बेडरूम साइज मिल जाता है। अगेन बेडरूम इतना स्पेशियस है कि आप यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपना सोफा चेयर यहाँ पे रख सकते हैं। अगेन बिग साइज विंडो जो आपको नीचे भी दी गई थी, और यहाँ पे भी आपको एक बहुत बिग साइज विंडो दी हुई है आपकी सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए। और साथ में आपको मिल जाती है इस बेडरूम में आपकी बैल्कनी। ये रहेगी आपकी 3 फीट वाइड बैल्कनी। अगेन आप डुप्लेक्स विला ले रहे हैं, बैल्कनी का नजारा बहुत अमेजिंग आप देख सकते हैं। अगेन आपको मिल जाती है स्लाइडिंग डोर्स और कबर्ड्स। अगेन कबर्ड आपकी काफी स्पेशियस रहने वाली है, और सॉफ्ट फ्लोर रहने वाली है, और साथ में मिल जाता है आपको अपना अटैच वॉशरूम। अगेन काफी स्पेशियस आपका वॉशरूम रहने वाला है। दोस्तों बैल्कनी आपने देखी, पर अगर मैं बोलूं बैल्कनी के साथ आपको एक और स्पेस मिल रही है जहाँ पे बैठ के आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, चाय का मजा ले सकते हैं, वो रहने वाली आपकी टेरेस। जी हाँ, एक हम आपको यहाँ पे छोटी सी टेरेस प्रोवाइड करके दे रहे हैं। और अगेन टेरेस इतनी स्पेशियस आप देख सकते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो आप यहाँ पे इसको इजिली कवर करके यहाँ पे अपना सिटिंग स्पेस चेयर वगैरह लगा सकते हैं, और सामने अपने पड़ोसियों को हेलो हाय बोल सकते हैं और चाय का मजा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत पीसफुल लोकेशन है और बहुत पीसफुल सोसाइटी है। तो दोस्तों दो बेडरूम आपने देखे, टेरेस आपने देखी, ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर किस लिए बोल रहा हूं वो आपको अभी पता लग जाएगा। 11x13 का आपको क्लियर बेडरूम साइज मिल रहा है, क्लियर मीन्स क्लियर। अगेन देखिए मास्टर बेडरूम के हिसाब से आप बेड देख लीजिए, आप बेड बैक देख लीजिए कितना अमेजिंग डिजाइन किया हुआ है, वॉल पेपर बहुत अमेजिंग रहने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि ये आपका मास्टर बेडरूम है, तो आपको मिल जाती है आपकी पर्सनल ड्रेसिंग एरिया। तो दोस्तों जैसे कि ये मास्टर बेडरूम रहने वाला है, तो आपको मिल जाती है आपको यहाँ पे पर्सनल ड्रेसिंग एरिया की स्पेस, यहाँ पे आप अपने कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं। अगेन रूफ हाइट तक आपको मिल जाती है आपकी वार्डरोब की स्पेस। तो मास्टर बेडरूम हुआ ना, क्योंकि आपको वॉकिंग क्लोजेट मिल रहा है इस पूरे पूरे अपार्टमेंट में। और अगेन मिल जाती है आपको बहुत स्पेशियस वॉशरूम विद अमेजिंग टाइल कॉम्बिनेशन के साथ। वाओ ग्रेट।
और दोस्तों इसके पीछे रहती है आपकी बैक बैल्कनी। अगेन अभी काम चल रहा है तो इसलिए हम आपको दिखा नहीं रहे, और इसके पीछे आपका एक वॉशिंग एरिया अगेन रहता है। अगर आप नीचे भी बनाना चाहते हैं, आप ऊपर बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों ये रहेगा आपका किड्स और गेस्ट बेडरूम। अगेन सबसे छोटा बेडरूम रहने वाला, ये ऑलमोस्ट 11x12 साइज का ये बेडरूम रहता है। क्लियर बेडरूम साइज है, क्योंकि जो आपके अगेन कबर्ड्स हैं वो आपकी इनबिल्ट रहने वाली है, रूफ फाइटर रहने वाली है। अगेन आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिल जाते हैं गेस्ट रूम के हिसाब से भी। और अगेन ये आपका बैक बैल्कनी में जाने का एक्सेस यहाँ से रहने वाला है, जो कि आपका मास्टर बेडरूम से रहने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी में आपको 4 बेडरूम 3 वॉशरूम मिल जाते हैं। ब्यूटीफुल डिज़ाइन ये घर है, आपको देखते ही एक ही आवाज़ आती है मन से, वाह कितना अमेजिंग है, मेरा घर यहीं पे होना चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये विलास, ये घर, ये सोसाइटी? आप अपने जो व्यूज़ हैं कमेंट के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे घर ढूंढ के लाते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जीरकपुर पटियाला रोड पर रहने वाली है। अगर आप जीरकपुर में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्योंकि जीरकपुर आपका चंडीगढ़ के पास, पंचकूला के पास पड़ जाता है, मोहाली के पास पड़ जाता है, तो आपको जो एक्सेसिबिलिटी है, चाहे आपने शिमला जाना है, चाहे आपने दिल्ली जाना है, चाहे आपने मोहाली जाना है, चाहे आपने चंडीगढ़ जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आपको ये लोकेशन इजी एक्सेसिबिलिटी रहती है। इस प्रॉपर्टी की साइट विजिट के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी विल लव टू असिस्ट यू, वी विल लव टू हेल्प यू। हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि आपका जो घर है वो बन सके, आपका जो ड्रीम होम है उसका सपना हम अपनी वीडियो के जरिए पूरा कर सकें। तो आप अपना जो प्यार हमने दे रहे हैं वो प्यार हमेशा बनाए रखिए, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे लोकेशंस आपके लिए लाते रहें और आपको आपके सपना घर दिलवा सकें। मैं लक्ष्मी आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक बहुत ही प्यारे ऑप्शन के साथ, बहुत ही प्यारे घर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू सो मच।